अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त, सब भाई ठीक होंगे और सबको मेरी तरफ से सुबहल नूर, सुबहल यास्मीन एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यह गाड़ी साइड पर करें क्योंकि रात इधर ही खड़ी कर दी थी और बाइक को निकालना है। गाड़ी साइड पर करें, आगे करके लगाएं ताकि बाइक को इजीली निकाल सकें। मौसम चेंज हो रहा है भाई, ये देखें ट्रेल पड़ी है, ट्रेल। जाएंगे फ्यूल स्टेशन पे क्योंकि वहाँ पे हम सब ने इकट्ठे होना है और वहाँ से फिलिंग करवाएंगे, जो कि यहाँ पर एक ही पेट्रोल पंप है जहाँ से हाई ऑक्टेन मिलता है और नॉर्मल तेल हम नहीं डलवाते सब बाइकर्स, तो हाई ऑक्टेन डलवाएंगे वहाँ से और वहीं पर ही सब गैदरिंग इकट्ठी होगी। वहाँ से आगे जाएंगे, सब इकट्ठे होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, और फ्यूल भी डलवाते हुए आगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। हम पे आ चुके हैं, फ्यूल करवाएंगे, फुल करवाएंगे, और ये आसफ भाई खड़े हुए हैं। आसफ भाई कैसे हैं? कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, गुड मॉर्निंग। और ये आसफ भाई का बाइक है, जैसे मैंने बताया था, सबका दिखाएंगे और सबका बताएंगे भी। ये आया जी H2, ये मलिक मुन्ना साहब आए हैं हमारे, और ये आसफ भाई का बाइक है जी, जिक्सर। यो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। ये है जी मुन्ना साहब जिक्सर, ये है जी आसफ भाई जिक्सर। ओ यार H2 कहना सी, ओए जिक्सर कहता, चलो कोई ना। एक ही चीज, हमारे ग्रुप के सब लोंडे आएंगे, बगर कुछ लोंडे बीच में बगैरती कर जाते हैं। हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं, एक भाई का वेट कर रहे हैं, वो भी आए और फिर हम यहाँ से आगे निकले जा रहे हैं भावल नगर, क्योंकि हमारा एक मेंबर जो हमारे ग्रुप के एक मेंबर है वो भावल नगर में रहते हैं। ठीक है, भावल नगर में रहते हैं वो, तो भावल नगर से उनको लेंगे, फिर हम आगे हासनपुर के लिए निकलेंगे। ये रुक गए हैं एक जगह पे क्योंकि H2 जो सा है, H2 का अचानक से टायर की हवा निकल गई, तो अभी शुक्र है वहीं पर मौके पर ही हमें कोई टायर पंचर वाली दुकान भी मिल गई जहाँ से हम पंचर लगवाएंगे। अभी देखते हैं क्या बनता है। आरीवाल से आए हैं, आरीवाला, आरीवाला से आगे हम जा रहे हैं हासलपुर। कैसा रहा आपका सुबह सुबह का सफ़र? अच्छा, पंचर लगा नहीं, वो हल्की फुल्की हवा भरवा आगे निकल गए। अब हम तीनों आगे निकलेंगे उसके पीछे पीछे ताकि आगे जाकर कोई इशू ना बने। मॉर्निंग राइड में सोचा सुबह नाश्ता करेंगे, मैं सोचा मैं कल नहीं रोटी नहीं खाधी रात नो कि सुबह नाश्ता करेंगे, इन्होंने भी नहीं खाधी है यार, मेरे नाल दे भी है, तू खाधी? मैं तो भाई बादाम खा गया। बादाम खा गया है भाई। हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, किसी टायर पंचर वाले को लेने गए हैं क्योंकि हवा निकल गई है जी दोबारा फिर से। हम शहर में वापस आ गए हैं क्योंकि टायर में पंचर तो बाहर से लगवा लिया था फर्जी, ताकि जहाँ अच्छी शॉप मिले वहाँ पे हम पंचर ठीक से लगवा सकें। अभी अड्डे पर आए हैं तो बसों का बड़ा शोर है, देख अब खड़े हुए हैं, बाइक्स खड़े कर दिया और उधर H2 खड़ा किया था कि उसको खोल के अंदर से पंचर लगवा सकें। एक और ग्रुप मेंबर पहुंच चुके हैं, दसिर भाई। हेलो। हाँ जी, हम जा रहे थे इनके पास, अब इनको मजबूरी में हमारे पास आना पड़ा है। ये भाई दसिर भाई जिनका CBR 1000 RR, दसिर भाई को लगा लो। हम साहिवाल आ पड़ गए हैं,
बाइकें लाइन अप कर दी हैं, कुछ गली में लगा दी हैं। अब करेंगे नाश्ता। ये भाईजान साहिवाल से हैं, तो ये लेके आए हैं हमें कि यहाँ नाश्ता अच्छा मिलता है। अब देखो यहाँ का नाश्ता कैसा होता है। रहा आपका सफ़र? एक्सीलेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सफ़र कैसा रहा? माशाल्लाह, इससे पूछने की ज़रूरत नहीं। ओह वाओ सेक्सी। नाश्ता आ रहा है जी, नाश्ता कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, नाश्ता कर रहे हैं जी। ओह माय गॉड, तनावल फरमाने लगे हैं, तनावल। चलिए जी, दो बाइक और जुड़ गए हैं हमारे साथ। R6 यामाहा R6, दूसरा भी यामाहा R6। दो बाइक और हम इधर आके साहिवाल में ग्रुप आ चुके हैं हमारे साथ। माशाल्लाह, आस्ता आस्ता लाइन बड़ा बनता जा रहा है। क्यों आस भाई? बिल्कुल R6। हाँ जी, मगर जो मर्जी करें, R6 के ऊपर आप अंडे भी पका सकते हैं अगर आपका दिल हो तो। इतना मैंने हिसाब लगाया है, आपने तो रखी रखी है आसिफ भाई, आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। R6 से तोबा है। जी अब हम नाश्ता वाश्ता करके निकल आए हैं इधर स्नूकर पे, गेम वेम खेलने जी। पढ़ के मेरे कज़न के फार्म हाउस में हैं साहिवाल, तभी शूट वगैरह कर रहे हैं बाइक्स का। अशरफ भाई हैं मेरे कज़न हैं, दोस्त भी हैं, उनका फार्म हाउस है, तो यहाँ पे आए उनको मिलने भी, और फिर मिलने आए थे तो सोचा फ़ोटो शूट वगैरह भी, वीडियो शूडियो जो बनानी है इंस्टाग्राम स्नैपचैट के लिए, जो पिक्चर वगैरह बनानी है वो बना लें। दिखा देता हूँ, ये फार्म हाउस है माशाल्लाह, जबरदस्त, काफ़ी अच्छी ओपन एरिया में है। और ये हमने बाइक सब लाइन अप किए हैं पिक्चर बनाने के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए, दसर भाई की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अब जिंदगी का अगले पल का नहीं पता, अभी इनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। ऐसे दोस्त हो दुश्मन नहीं ला रहे। 16-11 मॉडल मिक्सर, 9 मॉडल मिक्सर, जो 17-17 लाख रुपए कुछ, तीन दिन खुले लालू डे ये स्टेज टू ट्यून एकरा पावर फुल सिस्टम लग रहा है, बहुत गहरी सी ये 21 ते आया हो, असि नु साढ़े नहीं लाया साहिवाल से निकल रहे हैं और हाई ऑक्टेन डलवाने के लिए, पेट्रोल फ्यूल फुल करवाने के लिए आए हैं।
सब बाइक्स, आप सब फ्यूल फुल करवा के तो आरे वाला की तरह हम सब निकलेंगे। कैसा लगा यार हमारे साथ राइड करके? आप बहुत अच्छा लगा, यू आर वेरी हार्ड राइडर। और ये है कि अब ये भाई को हमने कहा है मुदस्सिर भाई क्यों, अब ये लोग आरे वाला हैं। क्या कहते हो आप? बूम बूम, हम सही वाला आ गया, अब इनका काम बनता है, ये हमारे पास आरे वाला है। बिल्कुल आता है, बुलाने वाले तो बनो यार। सो बिस्मिल्लाह, बस आ गए, उधर बकरा लावांगे, ये उड़ दे आए, और दसो ये उड़ दे आनगे, बस फाइनल कर लो ते गल मुकाओ। दावत आ गई हो अल्हम्दुलिल्लाह, सब अपने अपने घर चले गए हैं, तो मैं कुछ काम शाम था, फैक्ट्री आ गया, तो अभी यहाँ पे खड़ी करके बाइक थोड़ा सा सुकून वून करते हैं, बूट शूट उतार के मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कई राइड काफ़ी मज़े की रही है, बस हमारे ग्रुप मेंबर की जो टायर सुबह पंचर हुआ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ पता चल गया, चले कोई बड़े नुकसान नहीं हुआ, जो टाइम ज़ाया होना था वो हुआ बस बड़े नुकसान से बच के, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, लोग तो आपने पूरा देखा ही होगा, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लोग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सब दोस्तों को बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अभी थके पड़े हैं, सुबह 5 बजे के निकले हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुश रहो, दुआ में याद रखो, बाय बाय।